समिति की ओर से 11,000 का नगद पुरस्कार और बाबा का प्रतीक चिन्ह। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं राहुल भाई। ब्यावर जिला वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है। अभी मैं ये चाहता हूं कि तीन विनर हैं आपके सामने, एक भजन तीनों एक साथ गाए तो कैसा रहेगा। हाँ, हमारे बिकॉज़ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल तीनों ही एक साथ आ जाएं और तीनों ही मिलके, सुबह का वक्त है, राग दरबारी से शुरू करेंगे और प्रभाती के हिसाब से जो भी राम बाबा रामदेव का, फिर आप बिल्कुल पब्लिक टोन को ले लें। बाकी ये भजन हो जाए उसके बाद यहाँ रुकना है, और भी हमारे यहाँ कलाकार हैं उनको सांत्वना पुरस्कार भी है हमारे पास, तो आप यहीं रुकें ये भजन तीनों का होने के बाद प्लीज़। सभी प्रतियोगियों से मेरा निवेदन है कि कुछ देर और रुक जाएं, ठीक है ना। भैरवी हेलो 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 एक बार हो जाए। बोलो राम सा पीर की, मजो नहीं आयो। बोलो राम सपीर की। महामुकाबला विजेता तो घोषित हो गए हैं लेकिन असली मजा अब है। लेकिन सभी जजेस से गुजारिश है आप प्लीज वापस बैठे, और वास्तव में असली मजा ही अब आने वाला है। तीनों का जो आपसी सामंजस्य है वो देखने को मिलेगा, लेकिन आज मैंने एक बहुत बड़ी चीज देखी है, इनके बैकग्राउंड से जानी है कि ये लोग कोई बहुत बड़े घराने के लोग नहीं है, लेकिन इन्होंने आज एक बहुत बड़ी सीख दे दी है। उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, अरे कदमे छोटे हो लेकिन लोग बड़े रहते हैं। ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने सुरों को अपने साथ साधना के साथ तपस्या कर अपनी रूह में बसाया है, और आज वाकई में बहुत मजा आया है। तो चलिए तीनों का सामंजस्य महामुकाबला एक बार देख लिया जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ में तीनों का हौसला अफजाई कर दीजिएगा। मैं माइक सौंपता हूं आपको, एक माइक और दीजिए भाई। हेलो 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 गुरुजनों से सर्वप्रथम मैं चरण स्पर्श करता हूं आप सभी को, कोटिश कोटिश वंदन है मेरा आपके चरणों में। और हेलो 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 आप सभी ने हेलो हेलो दो दो मिनट हमसे सुनने के लिए और आपने अपेक्षा हमसे की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार मैं चाहूंगा कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय कन्हैयालाल मधुकर जी एवं पंडित आनंद वेदी जी के लिए एक बार आप जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि मैं जो भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। जो अच्छा गाया मैंने उनका गाया, जो बुरा था वो मेरा था। और आपने सवेरे की बात की है जैसे कि, तो मैं थोड़ा सा संगीत का इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ आप सभी के समक्ष में, लेकिन जितना मैंने सीखा है मैं ये चाहूँगा कि दो दो मिनट आप सबका गाना सुन लीजिए, हाँ, ताकि हम हमारी तरफ से सुना सकें। और सभी से आगे लेते हुए, राहुल भाई ने तो सीखा है ये हकीकत बात है, लेकिन मैंने सीखा नहीं है संगीत, बस कानों से सुन सुन के सीखा है। मेरा अभी तक कोई गुरु नहीं है, पिताजी है बस, वही संगीत साथ जो है वो तो साधना के साथ साथ संगत का असर है। जी सर बिल्कुल, संगत का असर है। ये सब भाई साहब का आशीर्वाद है, बड़े भाई है, सब इनके साथ रह रहे के बस हो गए। एक बात मैं थोड़ा सा, मुझे समय मिल सकता है सर? हा? मैंने बहुत गरीबी खैर सबने देखी है यहाँ पे, कोई
करोड़पति या अरबपति एकदम से नहीं बना है। एक समय मेरा ऐसा था कि मैं एक चाय की होटल पे कपलेट धोता था, 20 रुपए में सब्जी बेचा करता था। मम्मी के साथ मैं लोगों को घरों के झाड़ू पोछा बर्तन किया करता था। लेकिन बस ये कहीं ना कहीं आप सभी बुजुर्गों का ही आशीर्वाद है, आप सभी सज्जनों का आशीर्वाद है कि मैंने संगीत में खूब साधना की और कर रहा हूँ, मैं संगीत सीख रहा हूँ और आप सबके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पर हूँ। क्या बात है। तो आपको मैं राग भैरव सुनाता हूँ। प्रातःकालीन का समय हो गया है, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है ये राग भैरव। कृष्ण भगवान के जो मित्र हैं वो उनके दर पे आ गए हैं और कृष्ण भगवान को उठा रहे हैं कि कृष्ण भगवान उठिए, हमको हमारी गैया को लेके वृंदावन में जाना है, हमको हमारी गैया को चराना है और हम सब आपके द्वारे पे खड़े हैं, लेकिन आपका हम सब इंतजार कर रहे हैं। उसी की ये एक बंदिश है जो कि त्रिताल में लयबद्ध है। मैं थोड़ी सी आगे जाऊँगा, आपसे ये सुनाना चाहूँगा मैं। जागो
मोगन प्यारे जागो मोगन प्यारे जागो मोगन प्यारे जागो संतना पुरस्कार के लिए एक बार वापस तकलीफ दे रहा हूं सभी जजों को प्लीज महेंद्र भाई मुकेश जी नहीं निजाम भाई उपाध्याय साहब मुकेश जी ऋषिराज जी सतीश जी कुलभूषण जी एक बार मंच पर आ जाएं आप भी हाँ नीचे ही है नीचे आ जाइए इधर माइक दो हेलो कुलभूषण जी नाम बोलो ना आप सबके मिस्टर मुकेश जी वो सूची दे दीजिए पूरे नाम की एक बार जो भी प्रतिभागी जिन्होंने आज इस भजन गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है उन्हें सांत्वना स्वरूप खम्मा खम्मा पैदल यात्री भंडारा ब्यावर लोक कला मंडल के तत्वावधान में आयोजित इस भजन प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार देकर उन्हें हौसला अफजाई देकर उन्हें आगे के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तमाम अतिथि जजेस हमारे बीच मौजूद हैं
जिन्होंने आज भाग लिया है वो तमाम जो प्रतिभागी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आवाज देना चाहूंगा प्रमोद सोनी जो कि पाली से हमारे बीच मौजूद हैं, आप आइए। इससे पहले मैं चाहूंगा कुलभूषण जी, ये जजेज हैं तो इनका भी मोमेंटो से सम्मान हाँ बिल्कुल हो जाए एक बार। तो मैं चाहूंगा कि पहले सर्वप्रथम हाँ पहले प्रतिभा बच्चे यही हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे यही इतनी देर है तो 5 मिनट और रुकेंगे बच्चे। लक्ष्मण जी भाई साहब, सूरज ये सूरज जी भाई साहब, आप समिति के तमाम पदाधिकारी, मुकेश जी को आप मोमेंट देकर हमारे पास राजसमंद से हमारे बीच से एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे निर्णायक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पालीवाल साहब की। दिनेश जी उपाध्याय का स्वागत कर रहे हैं हमारे नेमीचंद जी, दिनेश जी उपाध्याय जो कि निभा, राजू भाई जगदम्बा कारडेकर निजाम भाई जयपुर से प्रसिद्ध ढोलक वादक और उसके बाद गायन प्रतियोगिता में अपने सुरों का भी यहां पर जलवा बिखेरा। राम प्रसाद जी वैसा स्वागत कर रहे हैं हमारे महेंद्र जी अलवेले का जो कि कोटा से हमारे बीच बता रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 2013 में राजस्थान पत्रिका गोल्डन वॉइस में विजेता रहे हैं, टी सीरीज के साथ में कई एल्बम रिकॉर्ड किए हैं और संगीत के क्षेत्र में जो जाना माना नाम है रजब अली भारती हैं। शरवण जी स्वागत कर रहे हैं हमारे सतीश जी सिकरवाल का, संपूर्ण भारत में अपने भजनों की प्रस्तुतियां देकर ब्यावर का नाम रोशन किया। सुनील जी शर्मा हमारे बीच, ऋषिराज जी का स्वागत कर रहे हैं, ऋषिराज जी जो कि ब्यावर के प्रसिद्ध ढोलक कलाकार हैं, राष्ट्रीय मंच अरविंद जी प्रतिभा का मंचन कर चुके हैं। अरविंद जी यदि मेरी आवाज सुन रहे थे पास ही हैं। मुकेश जी भाग का स्वागत कर रहे हैं आप, मुकेश कुमार जी भाट जो कि सीमेंट सेंट्रल एकेडमी स्कूल में संगीत के अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, कोटा यूनिवर्सिटी संगीत के क्षेत्र में एमरे डिग्रीधारी भी हैं, बहुत ही अच्छी पहचान है। एक बार मैं चाहूंगा कि फर्स्ट जो हमारे विनर रहे हैं वो एक बार यहाँ आ जाए अतिथियों के पास, सेकंड है लक्ष्मण भाई है क्या यहाँ नहीं है, लक्ष्मण भाई एक बार इधर आइए, हिमांशु आप भी आइए, एक बार सभी का ग्रुप फोटो कर लीजिए, इधर आइए लक्ष्मण भाई। बहुत जल्दी है इनको, आगे प्रोग्राम ले रखा है इन्होंने। बहुत बहुत साधुवाद, सभी को धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया, इस संस्था को दिया, आप सभी यहीं रहिए। और अब हमारे बीच कुलभूषण जी उपाध्याय जो कि आज के इस पूरे कार्यक्रम का एंकरिंग कर रहे थे, मैं चाहूँगा रमेश जी भाई साहब आप हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुलभूषण जी उपाध्याय जोरदार तालियां, आपको सबको अंकरिंग अच्छी लगी हो तो जोरदार तालियां बजाना कुलभूषण जी के लिए, मास्टर ऑफ सेरेमनी ब्यावर, बहुत जय स्काई चैनल, आप सबका प्यार है और मुझ में क्या खास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तमाम जो प्रतिभागी जिन्होंने आज भाग लिया उन्हें सांत्वना पुरस्कार देखकर सम्मानित करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। प्रमोद जी सोनी पाली से हमारे बीच आप आइए प्लीज, आइए। अतिथियों से गुजारिश करूंगा कि आप सांत्वना पुरस्कार देकर लक्ष्मण जी भाई साहब स्वागत कर, जो भी प्रतिभागी यहां पर हैं मैं एक एक करकर नाम लेना चाहता हूं, जो भी यहां पर मौजूद हो आप थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाइएगा। विजय गोविल सीमेंट से, करण सोलंकी ब्यावर, राजू पोपावत ब्यावर, विदिशा जैन ब्यावर, जीवराज राठौड़ बागली, अभिमन्यु जांगेड़, सुनील जी, राजेश सोलंकी, अलीशा भाट, शिखा रानी अग्रवाल, लक्की सोलंकी, अर्जुन भट्ट, रवि भाटी, विष्णु कच्छावा, कैलाश जाटोलिया, चेतन तवर, प्रहलाद भट्ट, लक्ष्मण द्वारका, सभी प्रतियोगी जिन्होंने भाग लिया था वो सभी आ जाए एक बार मंच के पास आसपास, जितने भी प्रतियोगी हैं, रवि भाटी आराम से पंडित जी,
जितने भी प्रतियोगी हैं सभी जल्दी से जल्दी आ जाएं इधर, जितने भी प्रतियोगियों ने भाग लिया है वे मंच के पास पहुंच जाए फटाफट। समय देखो पहले, समय लकी चला गया। हाँ बिल्कुल, और कोई प्रतिभागी छूट गए हो तो आप आ सकते हैं प्लीज। चेतन जी, चेतन जी को दीजिए। रॉयल डीजे साउंड से हमारे बीच बाबू भाई आप भी पधारिए पहले। और हमारे हनुमान भाई भी मंच पर आ जाएं एक बार। आइए बाबू भाई, इधर आइए, आगे आगे, सॉरी यहां से, यहां इधर। पूरे प्रोग्राम में बहुत ही खूबसूरत साउंड का नजारा, लाइट का नजारा जो देख रहे थे आप, रॉयल डीजे साउंड बाबू भाई और ऑपरेटर, एक इधर आओ आप, हाँ लाओ ये हनुमान भाई। हनुमान जयंती के पावन पर्व पर सप्रेम भेंट, बहुत ही खूबसूरत। जय स्काई टीम के मेन डायरेक्टर हमारे सुरेश जी चौहान, सुरेश जी शर्मा, पवन जी और वरुण भाई, वरुण जी साकला, लाइव टेलीकास्ट दुबई, बहरीन, अमेरिका, लंदन, सब जगह जय स्काई चैनल के द्वारा लाइव टेलीकास्ट यहां से ब्यावर से। अब एलसीडी वाले हमारे देवेंद्र भाई वे भी आए, पवन जी आ गए, पवन जी का स्वागत है, पवन जी की मेहनत, बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र भाई आइए आप भी। और अब अंत में बंटी भाई हमारे बीच, बंटी भाई आइए, कैमरामैन जो पूरी प्रोग्राम की याददाश्त को लेकर चल रहे थे, विष्णु जलवानिया, गौतम भैया, सुनील भैया, हाँ पवन जी पकड़ रहे हैं, एक मिनट आइए बंटी भैया, मोनू, तमाम पूरी जे स्काई की टीम, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अंत में अब हमारे विजय भाई और रमेश भाई जो भी डब्बे में बच गए ले जाओ भाई। हाँ वो तो यही बचा हमारे लिए, तो और क्या है। बहुत बहुत आभार और मैं चाहूंगा कि निजाम भाई आए, हमारे राम प्रसाद जी भाई साहब कुछ दो शब्द कहेंगे। राम प्रसाद जी भाई प्लीज, निजाम भाई कुछ कह रहे। दिल से मेहनत करी है हमारे म्यूजिशियन भाइयों ने भी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और अंत में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान रामप्रसाद जी कुमावत साहब, आप भी दो शब्द कहें। खम्मा खम्मा पैदल यात्री भंडारा की ओर से आज ये जो आयोजन हुआ है यह ब्यावर का एक अद्वितीय आयोजन है। और मैंने बरसों बाद इतना बढ़िया संगीत का, भजन का और भगवान से जुड़ने का एक जरिया आज मुझे मिला है, बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो खम्मा खम्मा पैदल यात्री भंडारे का आज जो शुभारंभ हुआ है,
वास्तव में इसके प्रेरणा सूत्र है भजन सम्राट मोहिनीतुन जी मंचला और रामनिवास जी राव साहब। रामनिवास जी राव कोई 400-500 कैसेटों से ज्यादा इन्होंने बना दी और एक एक कैसेट इनकी लोकप्रिय है। मैं इनसे बहुत